भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने राजा दशरथ के पुत्र राम पर जो विवादित बयान दिया था, अब उस पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची हो तो वे भगवान राम से माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम और निषाद राज दोनों ही हमारे लिए पूजनीय हैं। प्रभु राम के मंदिर बनाने के लिए हमारे समाज ने बहुत मेहनत की है। विपक्ष हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। वहीं अखिलेश यादव के कानून व्यवस्था के सवाल पर संजय निषाद ने पलटवार करते हुए कहा कि जो अपना घर परिवार नहीं संभाल पाते वे प्रदेश क्या संभालेंगे। देखिए, प्रभु राम हमारे पूजनीय हैं और निषाद राम दोनों एक पहलवान हमारे समाज के लोग पूजनीय, पूरे देश के लोग पूजनीय हैं। और प्रभु राम के उस राम मंदिर बनाने में हमारे लोगों ने बहुत योगदान दिया। कुछ लोग इस गठबंधन को लेकर भारतीय राजनीति उस तोड़ मोड़ को पेश कर रहे हैं। अगर कहीं समय गलती कहीं शब्द निकले हैं, मैं प्रभु श्री राम से क्षमा चाहूँगा।